नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बांका डाका मोड़ मुख्य सड़क पर शनिवार शाम तेलिया आईटीआई कॉलेज के पास एक बाइक सवार युवक को हाइवा ने कुचल दिया। अब तक कुचला युवक हाइवा पहिए में फंसा हुआ है। मौके पर ही उसकी जान चली गई। घटना के बाद हाइवा चालक फरार हो गया है। घटना की सूचना पर आसपास से बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई। नतीजा, भागलपुर पुलिस भी अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी है। आक्रोशित लोगों की भीड़ के कारण पुलिस तेलिया स्कूल के पहले ही लौट गई। स्थानीय भीड़ हंगामा कर रही है। जानकारी के अनुसार पास के ही डाका बस्ती का बंधु कुमार बिस्किट का कारोबार करता है। शाम को बांका से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान हाइवा की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। वह गांव के श्याम मंडल का पुत्र है। सब अब तक घटनास्थल पर भी पड़ा हुआ है और स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। भारतीय युग परिषद के द्वारा भागलपुर के जीएस गार्डन में साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ साहित्यकार पंडित निशिकांत मिश्र शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। मंच पर मौजूद शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा की माता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, भागलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, साहित्यकार किशन कलजई ने देश के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव कुमार शिव को उनके साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए मोमेंटो देकर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य समारोह में विशेष रूप से भागलपुर की महापौर सीमा सह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर डीपी सिंह, साहित्यकार जगदीश चंद्र मिश्र, कन्हैया शर्मा, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के साथ शहर एवं देश के जाने माने साहित्यकार मौजूद रहे। सम्मानित होने के बाद साहित्यकार शिव कुमार शिव ने उपस्थित आंगतुंगों को संबोधित करते हुए देश एवं भागलपुर के साहित्यिक इतिहास की चर्चा की, साथ ही वर्तमान समय में साहित्य के क्षेत्र में शहर कैसे आगे बढ़े इस बात की चर्चा की। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने साहित्यकार शिव कुमार शिव को साहित्य सम्मान से सम्मानित होने पर खुशी जाहिर की और कहा, ऐसे कार्यक्रमों से शहर में साहित्य गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के आयोजक और वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर राजीव कांत मिश्र ने भारतीय युग परिषद के इतिहास को बताया और साथ ही कहा, आने वाले समय में ऐसे साहित्यिक गतिविधियां जारी रहेंगी कि यह परंपरा साहित्य को जीवित रखेगी, इस शहर के साहित्य को जीवित रखेगी। माध्यम कहीं से भी शुरू हो, शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन हम उस छोर को देखना चाहते हैं जहां हमें पहुंचना है। तो यात्रा प्रारंभ हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी और ये चले, चिरकालिक हो, यहां के साहित्य को प्रोत्साहन मिले। माध्यम कुछ भी बन सकता है, चाहे वो मुझसे शुरुआत हो, किसी और से शुरुआत हो, आगे कोई और से शुरुआत हो, लेकिन इससे एक बड़ी बात होगी। आप जो अभी बात कर रहे थे, आपको ये बता देते हैं कि इस शहर को आप अपने कब्जे में रख सकते हैं, क्योंकि जब तक संवेदनाएं होंगी तब तक शहर जिएगा और साहित्य संवेदना को जीवित रखता है। ये तो साहित्य की जो विरासत इस शहर में थी, जो थाती यहाँ पर थी, जो हम लोगों ने उसको सजा कर रखी थी, वो बहुत हद तक खो गई थी विगत कुछ दशकों से। और आज अति प्रसन्नता हुई है कि उस थाती को, उस सहेजी हुई परंपरा को आज यहाँ पर राजीव जी ने उसको पुनः गौरवान्वित करने का प्रयास किया और ये बहुत ही अच्छी बात हुई। और हमारे मित्र शिव कुमार शिव जी को सम्मानित किया गया। मुझे लगता है कि ये सम्मान उनको काफ़ी पहले ही शहर को ये पहचान लेना चाहिए था कि ये दो शिव हैं, एक शिव नहीं है, वही शिव है जो तांडव भी करता है, वही शिव है जो शांति का संदेश भी देता है, वो संहारक भी है, प्राणकर्ता भी है, पालनकर्ता भी है। तो वो सारी जो आयाम है उनके, उसको इस शहर को काफ़ी दिनों से पहचान थी, आज सम्मान मिला, ये बहुत ही खुशी की बात हुई। भारतीय परिषद की स्थापना पंडित निशिकांत मिश्र ने 1943 में की थी। उसका उद्देश्य भागलपुर की कला, संस्कृति, सामाजिक सौहार्द, इन सब चीज़ों को बचाना था और उसे संवारना था। इसके तत्वावधान में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे, अखिल भारतीय संगीत सभा में, जिसमें कि उस समय के सभी जाने माने कलाकार, बिस्मिल्लाह खान साहब हों, सितारा देवी हों, गोदई महाराज हों, बिरजू महाराज हों, वो लगातार यहाँ आते रहे
पृथ्वीराज कपूर अपने थिएटर के साथ यहाँ आए, उनके साथ राज कपूर, उनके साथ शमी कपूर, सब लोग भागलपुर आए। इस तरह के कार्यक्रम निरंतर भागलपुर में चलता रहा और आने वाले समय में जो हम लोगों के और कार्यक्रम हैं वो आप लोगों को उसके बारे में सूचित किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग भागलपुर के जितने भी साहित्यकार हैं, हर भाषा के साहित्यकारों को हम लोग एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साहित्य को की जो प्रतियां हैं, जो भी उन्होंने लिखे हैं लिखा है उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक पुस्तकालय यहाँ भारतीय उपनिषद के तत्वावधान में बनेगा जिसको कि आकर के सब लोग पढ़ सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण भागलपुर के द्वारा व्यवसाय व बकरी पालन एवं जल प्रबंधन विषय पर 5 दिवसीय राज्य के अंतर किसान परिभ्रमण प्रशिक्षण का कार्यक्रम के तहत कुल 150 कृषक को बांका कटोरिया मुक्ति निकेतन के लिए रवाना किया गया। अरुण कुमार संयुक्त निदेशक, कृष्णकांत झा जिला कृषि पदाधिकारी, प्रभात कुमार सिंह उप परियोजना निदेशक, गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं संयुक्त निदेशक अरुण कुमार सिंह ने कहा, किसानों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से एक प्रयास है, उसी के तहत आज लगभग 150 महिला व पुरुष किसानों को बकरी पालन के लिए बांका भेजा जा रहा है ताकि बकरी पालन हम कैसे करें और किस नस्ल का बकरी होना चाहिए और उसका रख रखाव कैसे हो जिससे अधिक फायदा हो। वहीं प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा एवं बैंकों से बकरी पालन को लेकर लोन ही मुहैया कराया जाएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।